प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे। उसका नाम है जंगल कहानी, यानी एक जंगल की कहानी है। एक दफा एक घने जंगल में जानवरों का एक झुंड रहता था। झुंड यानी जानवरों का ग्रुप। ये जानवर बहुत रहमदिल थे। इनमें भेड़िया, इसकी बीवी बगीरा नामी चीता, काला तेंदुआ, नेवला, चमगादड़, मोर, हाथी, बंदर, अजदहा, शेर बबर और गीदड़ वगैरह शामिल थे। इन जानवरों का सरदार एक भेड़िया था जिसका नाम अकेला था। एक दिन सुबह सवेरे जब सरदार भेड़िया अपनी बीवी के साथ शिकार की तलाश में निकला तो उसे करीबी झाड़ियों में एक इंसानी बच्चे के रोने की आवाज आई। भेड़िया बहुत रहमदिल था, इसलिए उसे बच्चे पर रहम आ गया और उसने अपनी बीवी से कहा, हम इस बच्चे को अपने साथ ले चलते हैं वरना ये बेचारा इस जंगल में मर जाएगा। सरदार बच्चे को अपने साथियों के पास लाया और कहा, ये बच्चा हमें झाड़ियों से मिला है, हम सब मिलकर इसकी परवरिश करेंगे। लेकिन भेड़िए के कुछ साथियों ने इस बात पर बहुत इतराज किया कि ये इंसान का बच्चा है और हमारे साथ कैसे रह सकता है। लेकिन सरदार ने भी सख्ती से कहा, ये बच्चा यहीं रहेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सरदार के इस फैसले को सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन दिल से बच्चे के रहने पर खुश न थे। सरदार ने बच्चे का नाम मोगली रखा। यकीनन आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। सरदार और उसके साथियों ने 10 साल तक बड़ी तवज्जो से मोगली की परवरिश की। बलू जो मोगली का उस्ताद था, उसने और दूसरे साथियों ने बच्चे को जंगल के तमाम तौर तरीके सीखने में हर तरह से मदद की। मोगली शुरू ही से बहुत फुर्तीला और जहीन था, इसलिए उसने जल्दी जंगल के तौर तरीके आसानी से सीख लिए। उसने तैरने, भागने, दरख्तों पर चढ़ने के तरीके, कमजोर डाल से गिरते वक्त बचने की तरकीब और जहरीले सांपों से बचने का हुनर गर्ज के सब कुछ सीख लिया। मोगली जू जू बड़ा हुआ वो जंगल का एक एक तरीका सीखता गया। उसे ये भी अच्छी तरह मालूम था कि शिकार किस तरह किया जाता है और शिकार सिर्फ जानवरों को मारने और खुश होने के लिए नहीं बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। मोगली अपने साथियों के साथ हंसी खुशी रहने लगा, लेकिन जहाँ जंगल में सरदार और उसके साथी मोगली के दोस्त थे, वहीं चंद जानवर ऐसे भी थे जो मोगली के इंसान होने की वजह से उसके दुश्मन भी थे। मोगली का बड़ा दुश्मन चीता और उसके भेड़िए थे जो उसे हड़प करने की नीयत में लगे रहते थे, मगर सरदार के आगे मजबूर थे। इस बात का जिक्र सरदार ने मोगली से कर दिया था कि अपने दुश्मनों से होशियार और बचकर रहना बच्चे। एक दिन अचानक सरदार अकेला बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी ने सरदार को फिक्र में डाल दिया कि अगर वो मर गया तो बेचारे मोगली का क्या होगा, क्योंकि ये बात उसे अच्छी तरह मालूम थी कि कुछ जानवर मोगली के दुश्मन भी हैं और उसके मरने के बाद मोगली को जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए सरदार ने मोगली को अपने पास बुलाया और कहा, वो अपने दुश्मन जानवरों से बचने के लिए कोई ऐसा कारनामा अंजाम कर दिखाए जिससे उसके दुश्मन खौफजदा हो जाएं और उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत न कर सकें। सरदार ने मोगली को मशवरा दिया कि जंगल में एक बुलंद पहाड़ है जिस पर चढ़ने की आज तक किसी जानवर की हिम्मत नहीं हुई। उसी दरख्त की चोटी पर एक सुर्ख फूल है, अगर तुम वो फूल लेकर आ जाओ तो तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत की धाक बैठ जाएगी और वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से बाज आ जाएंगे। मोगली ने सरदार की बातों पर अमल किया और ठीक वैसा ही किया जिसका सरदार ने उसे मशवरा दिया। वो अपनी हिम्मत और बहादुरी से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और सुर्ख फूल तोड़ लाया। उसकी इस बहादुरी से उसके दुश्मन जानवर हैरान रह गए और मोगली से डरने लगे, मगर इसके बावजूद मोगली को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाने की फिक्र में लगे रहते थे। इसके बाद सरदार ने एक दिन अपने साथियों को जमा किया और कहा, अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, हर वक्त बीमार रहने लगा हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मरने के बाद मोगली इसी जंगल में रहेगा जब तक वो अपने लोगों में वापस न जाए। लेकिन दूसरे जानवर जो मोगली के दुश्मन थे, उन्होंने एतराज किया, अब मोगली बड़ा हो गया है, उसे अपने लोगों में वापस चले जाना चाहिए। अभी ये तकरार हो ही रही थी, तकरार माने बहस,
अभी ये बहस चली रही थी कि सरदार को चक्कर आया वो और वो फर्श पर गिरकर मर गया। सरदार की अचानक मौत से मोगली बहुत गमजदा हुआ और रोने लगा। सरदार के दूसरे साथी भी अपने साथी की सरदार की मौत पर रोने लगे। सरदार अकेला के मरने के बाद उसकी हिदायत के मुताबिक मोगली अपने साथी जानवरों के साथ रहने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि सरदार के मरने के बाद उसके दुश्मनों को उसका यहाँ रहना एक आंख नहीं भाता। एक आंख नहीं भाता इसे मतलब कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। इस बात को बगीरा ने भी महसूस किया और एक दिन बगीरा ने मोगली से कहा, अब तुम न सिर्फ बड़े हो गए हो बल्कि काफी होशियार भी हो गए हो, इसलिए अब तुमको अपने लोगों में वापस चले जाना चाहिए, यानी इंसानों की दुनिया में पलट जाना चाहिए। मोगली ये सुनकर बहुत नाराज हुआ और कहने लगा, मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन बलू और दूसरे जानवर साथियों ने मोगली को बहुत समझाया कि तुम्हें अब अपने लोगों में वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इंसान को इंसानों के साथ ही रहना चाहिए और जानवरों को जंगल में। अपने साथियों के समझाने पर मोगली अपने लोगों में वापस चले जाने पर राजी हो गया, मगर इस वादे के साथ कि वो अपने साथियों से मुलाकात के लिए अक्सर जंगल आता रहेगा। मोगली के सच्चे साथी उसके वापस जाने पर खुश भी थे और गमजदा भी, लेकिन उसके दुश्मनों को ज्यादा अफसोस हुआ क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। और उससे पहले कि वो मोगली को नुकसान पहुंचाते वो उनसे बहुत दूर चला गया। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? और आपने इसमें देखा कि मोगली ने अपनी हिम्मत से कैसे जानवरों के दिलों में भी अपना घर बना लिया और उनसे दोस्ती कर ली। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने साथियों के साथ इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहेंगे और आपस में एक दूसरे को दोस्त बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।